हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि हमारे जीवन में जब बुरा समय आता है तो किस प्रकार के संकेत हमें पहले से मिलने लगते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वह कई तरह के सुख दुख से गुजरता है। कई बार सौभाग्य उसके द्वार पर दस्तक देता है तो कई बार उसका सामना दुर्भाग्य से होता है। सौभाग्य दुर्भाग्य आने से पहले कुछ खास तरह के संकेत देते हैं। धर्मशास्त्रों से लेकर वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और शकुन शास्त्र आदि में इस तरह के संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानते हैं जो हमें अनहोनी होने का इशारा देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि घर में नमकीन चीज़ों में काली चींटियां नजर आएं तो यह बुरा वक्त आने का संकेत है। ऐसे में किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर उसका समाधान कर लेना चाहिए। दूसरा संकेत है, यदि घर में बार बार दूध उबल कर गिरे, सावधानी बरतने के बाद भी अगर ऐसी घटना हो तो अच्छा नहीं है, ऐसा होने पर सतर्क हो जाएं। तीसरा अपशगुन है, घर में अगर अचानक से कोई चमगादड़ नजर आने लगे तो यह बताता है कि जीवन में बुरा वक्त आने वाला है। यह आर्थिक हानि होने या किसी संकट के आने का इशारा है। चौथा संकेत है, घर में लगा हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक सूख जाए तो यह धन हानि या घर से सुख समृद्धि जाने का संकेत हो सकता है। छठा संकेत है, घर में बार बार कांच टूटने लगे तो इस घटना को भी नज़रअंदाज ना करें, यह कोई संकट आने का इशारा हो सकता है। और अंतिम अपशगुन है, बिल्ली का रोना। बिल्ली का रोना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि बार बार घर के अंदर या आसपास बिल्ली या कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई पड़े तो यह भी किसी अनहोनी के होने का इशारा है। इस प्रकार ये सात ऐसे संकेत हैं जो बुरा वक्त आने से पहले भगवान हमें देते हैं।